सतना जनपद में पड़ता है। आइए देखेंगे किस प्रकार की ये यात्रा है और कैसे कैसे यहाँ पर दृश्य हैं। राम सैया की ओर हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर हम लोगों का कारवां रुका है और पहला स्टॉपेज चित्रकूट धाम यात्रा का यहाँ से शुरू हो रहा है हम लोगों का। और यहाँ पर मध्य प्रदेश जनपद के सतना जिले में हम लोग मौजूद हैं। गायत्री परिवार का काफिला, इस चित्रकूट धाम की यात्रा का काफिला यहाँ तक पहुँच चुका है और पहला पड़ाव हम लोगों का है राम सैया, जैसा कि पीछे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। राम सैया के लिए हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर चलते हैं आगे और पूरी टीम यहाँ पर साथ में है। आइए चलते हैं आगे और राम सैया के यहाँ पर दर्शन करते हैं। काफी कुछ यहाँ पर देखिए मिक्सअप है यहाँ पर। अभी हम लोग मध्य प्रदेश से होकर के आए हैं, यहाँ पर फिर यूपी टूरिज्म का बोर्ड दिखा है, यानी कि ये जो राम सैया का स्थान है ये उत्तर प्रदेश की टेरिटरी में आता है। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कैसा क्या स्थल है और किस प्रकार का यहाँ पे देवी क्षेत्र है। चप्पलें उतार करके सभी यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं ऊपर धाम की ओर। श्री राम सैया शिला के दर्शन होंगे यहाँ पर और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारे साथ आपकी यात्रा भी यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पर 5 मिनट राम नाम संकीर्तन करें, यहाँ संत सेवा की जाती है, श्रद्धानुसार दान करें। और ये मंदिर हैं, शिलाओं के ऊपर यहाँ पर देखिए परिक्रमा मार्ग बना हुआ है, ऊपर तक जा रहे हैं। हनुमान जी की यहाँ पर शिला, वनवास के दौरान प्रभु श्री राम जी ने यहाँ पर विश्राम किया था, इसलिए यह स्थान राम सैया के रूप में जाना जाता है। सिया राम जय जय राम, ओ मंगल भवन अमंगल हारी, दबहुश दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया वनवास के दौरान प्रभु श्री राम का विश्राम स्थल राम सैया पर हम सभी मौजूद हैं और यहाँ पर सघन हरितिमा के बीच में, जिसपे कि नीम के पौधों की, नीम वृक्षों की बहुतायत है, इस सघन हरितिमा के बीच में स्थित यह दिव्य पावन परिसर राम सैया का धाम। सुरम्य पहाड़ी स्थल नीम के पौधों से ये युक्त है। यहाँ पर स्थल पर हम लोग चित्रकूट यात्रा के दौरान हैं। अभी आपने देखा यहाँ पर पीछे का जो स्थल है, आप दिखाएं प्रिंस जी, पीछे जहाँ पर जो बड़ी सी शिला है, प्रभु श्री राम जी और सीता जी का यहाँ पे विश्राम होता था। बताते हैं वो जो शिला थी वो उनके लिए फूलों के समान कोमल हो गई थी, ऐसी वो शिला थी। और इसी के सामने सड़क को क्रॉस करके यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये लक्ष्मण जी की यहाँ पर शिला है, जहाँ पर देखिए उनका धनुष जैसा चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पर लक्ष्मण जी यहाँ पर खड़े होकर के रक्षा करते थे। तो ये उस स्थान को यहाँ पर देख सकते हैं, अभी भी संजोया गया हुआ है।